हो चुकी है भाई, कैसी लगी? बहुत बढ़िया। तो तुम्हें लगता है इसके लिए होटल शहर है तो यहाँ भी मशहूर ही है। एमपी में सबसे ज्यादा। अच्छा, सबसे ज्यादा मशहूर है। चलो तो 4 पैक कर दो, ऐसे ही रख दो। अयोध्या से निकले हैं और लंका जा रहे हैं। तो लंका में करने का जा रहे हो? देखने जा रहे हैं रावण का महल। तक पनीर, चावल भाई, गाजर का हलवा भाई, यही चाहिए था। मजे आ गए भाई, थैंक यू भाई। चंद्र की जय। हेलो मेरे भाइयों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई रेडी वेडी हो गए हैं और अब हमारा जो प्लान है वो है नागपुर जाने का, दोनों भाइयों का। आगे पीछे चलते रहेंगे और आज लंबी खेचते हैं भाई। कॉफी बन के रेडी हो चुकी है भाई, कैसी लगी? बहुत बढ़िया। तो तुम्हें लगता है इसके लिए होटल मैनेजमेंट करने की जरूरत है? देख लो, मैंने भी आज बनाई, आपने बनाई है भाई। इस चीज के लिए कोई भी होटल मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीजें ऐसी बन जाती है। तो आज का प्लान मैंने बता ही दिया है, नागपुर निकलना है। यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर है और टाइम हुआ है 12 बज गए, तो निकलते हैं थोड़ी देर में। तो आज भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए बाइक के बारे में। तो अब तुम निकल रहे हो यार, ठीक है, अगर कोई हमें देख के निकलता है अपनी छोटी बाइक लेके निकल, तो बाइक का क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इंजन, अगर एक बार चेक करा लो अपने मिस्त्री के पास जाके, क्लच प्लेट एंड मोबी ऑयल। देखो मोबी ऑयल जो डलवाना, नॉर्मली डलवाना, नॉर्मल जो है थोड़ा सा 1500-2000 रुपये सर्विस मांग जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा सिंथेटिक, मतलब क्या करवाना है, सिंथेटिक ऑयल डलवाना है, प्लस अच्छे से क्लच प्लेट एंड जो भी इसका इंजन का सिस्टम है वो ठीक कराना है, मिस्त्री आपको बता देगा। एक अच्छी सी कंपनी का मोबी ऑयल डलवाना है सबसे पहले, सिंथेटिक ऑयल, ठीक है। तो दूसरी क्या चीज़ ध्यान रखनी है भाई, इस तरीके से बैग लेकर नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारी बाइक पर। देखो देखो, जैसे मेरी बाइक पे कहाँ का इम्पैक्ट पड़ा है, देख रहे हो, ये जैसे मैंने ये बांध रखा है यहाँ से टूट गया है। अभी अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जो प्रॉपर टूरिंग बैग होते हैं बाइक्स के लिए वो खरीदता, मैं इस तरीके से नहीं लेके चलता। ले यहाँ के समोसे कुछ अलग है भाई, हर जगह समोसे 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 की दुकान है, मतलब कुछ अलग ही है। तो ले ले, अनोखा हो तो कुछ लेते रहना चाहिए, लिटिल लिटिल। आगे से फ्रूट भी ले लेंगे, मैं मैप लगा रहा हूँ, तू ले क्या? कौन से वाले से चलना है? वही दिखाएगा जो तू कह रहा, जिससे यही सियोनी। हाँ, 250 किलोमीटर है यहाँ से। और 552 का अराइवल दिखा रहा है, जल्दी चलना है, मैं तो लेट हो जाएंगे। अबे यहाँ तो ऊंचा नीचा भी है रे। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, ये समोसे का ज्यादा लग रहा है मेरे को, समोसे समोसे, यहाँ क्या है स्पेशल समोसों में? मशहूर है ना, जैसे बुलंदशहर है तो यहाँ भी मशहूर ही है। अच्छा सबसे ज्यादा मशहूर है। चलो तो 4 पैक कर दो, ऐसे ही रख दो, नॉर्मली बनाने बनाने नहीं है ना। रोड और प्लस ये मौसम, अगर ऐसे ही रहा बरकरार तो भाई ये बाइक नहीं रुकने वाली फिर। और भाई कुछ ज़्यादा ठंड वंड हो नहीं रही है, टेंशन मत लेना मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, क्योंकि कोई ज़्यादा खास ठंड वंड नहीं है, मस्त आराम से चल रहे हैं हम, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एकदम मक्खन मक्खन चल रही है। वो छोटी मोटी तो दिक्कत होते रहती हैं, दिक्कतों से क्या है, दिक्कतों का क्या है, दिक्कत तो आएंगी जाएंगी, ये दिक्कत ही तो देखनी है। तो अभी सिंपल नागपुर पहुँचना है आज। अब भी क्या है, 65 किलोमीटर इसी हाईवे पर चलना है, फिर दूसरे पे मर्ज करना है। तो भाई नरसिंहपुर से कल इसलिए नहीं निकल पाए, पूरा दिन तो बारिश पड़ी और मैं कल व्लॉग इसलिए नहीं डाला कि अब बारिश में क्या दिखाऊं या ये चीज़ें, तो इसलिए अपलोड नहीं आया, उसके लिए मैं सॉरी।
भाई देख रहे हो यहाँ पे आज भी मतलब वही जैसे पुराने जमाने में घर हुआ करते थे, आज भी ऐसे के ऐसे बरकरार है और भाई लोग रह रहे हैं। भाई ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो भाई जैसे ही जैसे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये देखो कनाल थोड़ी सी है इधर की तरफ और पथरीली हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं भाई पहाड़ ऊँचे होते जा रहे हैं, भाई नज़ारे बनते जा रहे हैं, भाई सुकून मिलता जा रहा है। मतलब रोड का तो मज़ा एकदम बढ़िया चल रहा है, साथ में जब ये नज़ारे हूँ तो भाई चलाने में भी अलग ही सुकून मिलता है, मज़े। दोनों भाई रुके थे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, भाई पेट में घूम रहे थे चूहे, और भाई पेट पूजा कर लेनी चाहिए। भाई एक टिप देता हूँ, जब राइड कर रहे हो तो भाई ज़्यादा खाना खाना नहीं है क्योंकि तबीयत ख़राब भी होने के चांसेस है, पेट में दर्द होगा, तो इससे बढ़िया थोड़ा खाओ चलते चलते, मतलब कहीं आगे रुक जाओ अगर भूख लग रही है। और भाई हेल्थ का भी ध्यान रखना है भाई, खाना भी। तो दो शख्स अपने भाई अयोध्या जा रहे हैं, और इनके लिए बेस्ट विशेज कि भाई इनकी पूरी हो, 22 तारीख से पहले पहुँचे। साथ में अपने एक भैया मिल गए ट्रेवलो क्रेसी एंड, भाई अयोध्या से निकले हैं और लंका जा रहे हैं। तो लंका में करने क्या जा रहे हो? देखने जा रहे हैं रावण का महल। तो भाई राम जी ने लंका गिराई थी। बाय छोटू, बाय पृथ्वी, मिलते हैं फिर है ना थोड़े दिन बाद, बाय। तो भैया से बात करके ऐसा लगा जैसे बड़े भैया हैं अपने, भाई इनसे भी बात करी है, एकदम कूल, एकदम बहुत बढ़िया भाई, स्टार्टअप कर रहे हैं। जो भी अगर कोई देख रहा है मेरी वीडियो, भाई अभी देख लो यहाँ पे ट्रेवलो क्रेसी, सपोर्ट करो। जय जय श्री राम। ओ भैया बाय, जय श्री राम, जय श्री राम भैया, फिर कभी मिलेंगे हैं, महाराष्ट्र आएंगे, कोई पूरी की पूरी सेवा पानी की जाएगी ना महाराष्ट्र आएंगे तो पक्का ना। तो भैया के घर पे जाना है जब महाराष्ट्र की कोई भी करेंगे दोबारा से, बिल्कुल जरूर आप विजिट। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल आएंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया लगा आपसे दोनों से मिलके। भाई तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो और हमारे लिए दुआ मांगना आगे। तो फाइनली वी रीच, और भाई खाना लग गया है। भाई अभी महाराष्ट्र नागपुर में पहुंच गए और पीयूष भाई के फ्रेंड के घर पे, क्योंकि पीयूष भाई का ऐसा रहा है कि नागपुर में कितने साल रहे थे भाई तुम? हम लोग, मैं 7-8 साल रहा था, तो 7-8 साल लेना मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ कनेक्शन था, बस ये मेरे साइड में बैठा करता था, ये बेस्ट फ्रेंड था मेरा बस। तो भाई घर का खाना मैं मिस कर रहा था, बार बार का खा के बोर हो गए थे, तो भाई ने घर का खाना और वो भी फुल व्यवस्था, ये है पालक पनीर चावल भाई, गाजर का हलवा भाई, यही चाहिए था, मजे आ गए भाई, थैंक यू भाई फुल सेवा करने के लिए। और ये है यहाँ के पापड़, पापड़ी कहते हैं ना, पापड़ी। तो नागपुर घुमाते हैं रात को, तो ये भाई पुटाला लेक है सबसे पुरानी, मतलब नागपुर की महाराष्ट्र। हाँ भाई बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारी ये व्यवस्था है, अब भाई तुम ये देख लो सिर्फ एक कॉल किया तुम्हारे सामने व्यवस्था कैसी हो गई है। इसके बाद देखो विशाखापट्टनम में फिर व्यवस्था है, सारी भाई व्यवस्था ही व्यवस्था है, और क्या बेंगलोर में व्यवस्था है। तो भाई अभी रात के नज़ारे देख लो कुछ ऐसे हैं, बढ़िया लग रहा है, और दिन के दिखाएंगे अभी रात में, देख लो जैसी अभी रात दिन में, मतलब रात में दिख रही है ऐसी दिन में दिखेगी, बस हाँ आसमान नीला हो जाएगा, हैं आसमान नीला हो जाएगा।
पूरा घूम घाम के घर निकल गए थे। तो अभी निकलते हैं घर और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहो। जय श्री राम।